फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों इन दिनों भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचे और अगवानी की। मैक्रों के साथ उनकी पत्नी ब्रिगिट भी पहुंची हैं। 12 मार्च को वे वाराणसी और मिर्जापुर का दौरा करेंगे। इमानुएल मैक्रों के इस दौरे के बीच उनकी पर्सनल लाइफ और लव स्टोरी की भी चर्चा जोरों पर है। मैक्रों और ब्रिगिट की लव स्टोरी कई मायनों में अनूठी है। दोनों की उम्र में 24 साल का फर्क है और ब्रिगिट स्कूल के दिनों में मैक्रों को पढ़ाती थी। बताया जाता है कि ब्रिगिट चॉमनिक्स फ्रेंच और ड्रामा टीचर के तौर पर काम करती थी। जब मैक्रों की उनसे मुलाकात हुई, ब्रिगिट एक थिएटर क्लब भी चलाती थी, जहां मैक्रों एक उभरते हुए एक्टर के तौर पर भी काम करते थे। मैक्रों की ब्रिगिट से पहली मुलाकात 15 साल की उम्र में हुई थी। 16 साल के मैक्रों को अपनी 40 साल की टीचर जो तीन बच्चों की माँ थी के साथ प्रेम हुआ था। 17 साल की उम्र में ही मैक्रों ने उस समय अपनी शिक्षिका रही ब्रिगिट को प्रपोज किया था। 17 साल की आयु में आगे की पढ़ाई के लिए शहर छोड़कर जाते समय मैक्रों ने अपनी टीचर से कहा, आप चाहे जो करें मैं आपसे शादी करूँगा। मैक्रों को उनके टीचर के साथ प्रेम की खबर ने उनके माता पिता को खासी चिंता में डाला था। ब्रिगिट चॉमनिक्स को उनसे दूर रहने के लिए कहा गया था जब तक वो 18 साल के ना हो जाएं। ब्रिगिट 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। मैक्रों से मिलने से पहले उनकी शादी एक बैंकर आंद्रे लुइस अजियरे से हुई थी, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए थे। ब्रिगिट चॉमनिक्स और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों साल 2007 में शादी के बंधन में बंध गए थे। आज 64 साल की ब्रिगिट के पहले शादी से 7 पोते पोती भी हैं और मैक्रों के लिए यह परिवार ही उनका परिवार है। आज दोनों परिवार बहुत खुश हैं। बताया जाता है कि मैक्रों की माँ और ब्रिगिट हममुम्र हैं। दोनों के बीच सास बहू नहीं बल्कि दोस्तों वाला रिश्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।